amazing trailer of X-Ray. And now can we have the director to Abbas Mastan here on stage, please? Inke liye bazooka taali ho jaye, please. Thank you so much. Aapko bhi yahan par aaye. So you're just supposed to give us your blessings. We need your blessings for the success of the film and the director, Rajiv Ruya. Can we please have a huge round of applause for the director as well? Good evening, everyone. Many congratulations to the producer, Mr. Sharma, Rahul, and Mr. Rajiv for this film X-Ray. Today is the music launch, so बहुत खुशी की बात है और हम लोग का basic हमेशा रहेगा राजीव के साथ, क्योंकि ये debut film है, launch film है. तो we wish our all the best के film को बहुत success मिले, बहुत अच्छी फिल्म है. मल्टीपल लैंग्वेज में देखा मैंने, अभी सुना कि ये मल्टीपल लैंग्वेज इसमें बन रही है, तो we wish them all the best. हाँ, ट्रेलर अच्छा लगा. अभी जो ट्रेलर देखा, उसमें एक ट्रेलर से एक झलक है जिससे मालूम पड़ता है कि वह थ्रिलर है और अच्छी होगी डेफिनेटली फिल्म. और जो टैगलाइन थी ना, व्हेन अ साइको टेलीफाइज यू टू हेल, तो ये सब ट्रेलर में लग रहा है. हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट राजीव राहुल शर्मा जी. Thank you so much, sir. Inkele zota taali ho jaye, please. Now we have his blessings. For sure, the film is going to be a success. Rajiv sir. Hi, good evening. Thanks. I'm a very big fan of Abbas Mastan sir. और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फिल्म के मुहूर्त पे और टेलर ओपनिंग पे लोग आए हुए. आई एम वेरी लकी सर. आई एम वेरी थैंक्स टू यू सर. एंड आई ऑल वॉन्ट यू टू सी द मूवी. एंड राहुल हैज डन अ वेरी फेबुलस जॉब. एंड प्रदीप जी के साथ तो ये तीसरी फिल्म है, तो थैंक्स टू प्रदीप जी फॉर बिलीविंग इन मी. थैंक यू वेरी मच. प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? मैं तो सर को क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मौके पर आके हम लोग चारों घर की और इतनी ब्लेसिंग्स दी. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. मत आइए, आप रिकॉर्डिंग चल रहा है. सॉरी भैया. थैंक यू सो मच. कैन वी आल्सो हैव द को प्रोड्यूसर अनीता शर्मा मैम हियर ऑन स्टेज. मैम के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज. एंड Kostal, do you want to say a few words? You have to say a few words. Yes, yes. Good evening. Thank you. अरे यार. आप सब लोग आए, मेरे बहुत बड़ी बात है. And especially सर आए, because मेरी पहली फिल्म है suspense thriller and सर का तो कुछ मुकाबला नहीं इस फिल्म में, अब्बास सर जी का. Thank you so much सर, आप लोग आए, मुझे blessings दिए. Thank you so much. मेरे बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग आए, सर आए. And मैं राजीव सर को बहुत thank बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये फिल्म दी. अच्छा, एक डायलॉग बोलोगे फिल्म से? कोई साइको वाला डायलॉग? याशी कहाँ हो तुम? याशी. I think all the girls are going to run away now. So amazing. So once again, can we please have a huge round of applause? And we are also going to release the audio, the music of the film now. So can you please have the music of the film? अब्बास भाई, मस्तान भाई, जो स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट के कारण इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ पे आए और चार चांद लगा दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये हरीश जो है हमको जो फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए, मिस्टर गोविंद पटेल जो फर्स्ट डायरेक्शन दी थी, उनका बेटा है और हमारे बहुत अच्छे क्लोज रिलेशनशिप थे उनके साथ. थैंक यू. दे आर मोस्ट रिस्पेक्टिव पर्सन. मतलब
इनके जैसे रिस्पेक्टिव पर्सन फिल्म इंडस्ट्री में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो कभी भी मेरे रिक्वेस्ट में आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता। मैंने कभी भी उनको बोला कि मेरे दोस्त के बेटे की पिक्चर है तो उन्होंने तुरंत बोला कि 15 मिनट तो 15 मिनट में आता हूँ। थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई एंड मुस्कान भाई, थैंक यू। एंड बिफोर वी डू दिस कैन वी हैव द म्यूजिक डायरेक्टर राज आशु जी ओवर हियर प्लीज ऑन स्टेज। Okay, so let's release the much awaited music of the film X-Ray, the Inner Image. जिगलिया 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 रे जिगलिया जिगलिया।
स्पेशली सस्पेंस वाले फिल्म में बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो यू नो जो भी स्टंट्स होते थे हमारे, जो हमारा कैरेक्टर था, तो बेसिकली वो सब प्ले करने का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था. बिकॉज साइको बने इट्स नॉट एन इजी थिंग जो आप हो नहीं, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बहुत ही जॉलीवुड इंसान हूँ, एकदम हंसता बोलता रहता हूँ, बट वो मुझे ऐसा ऑर्डर है कैरेक्टर प्ले करना था, तो मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था एंड थोड़ा स्केरी भी था. अभी मैं खुद को देख के डर रहा हूँ यहाँ पे. Okay. Can we have Parvez bhai on the stage also? The main thriller behind the movie. His brains. Inke liye zordar taaliyan jayega, please. So now I want to ask Yashika, were you actually scared of him jab shooting ho rahi thi? Definitely. Haan, aisa mujhe dar lag raha tha dekhi ki, oh my god. Did he do something? We were told to be like that because her wo character jo play kar raha tha usme pehle se pura play kar rahe the aur jab bhi hum baat karte the to aise karte the like he is my enemy and I and he's an actual psycho. Yes? Nahi aisa nahi. Nahi, the character I'm saying. Of course not actually I'm saying that. Okay. So which was your favorite part of the entire movie? Ye aapki bhi debut film hai. So which was your, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज फॉर यशिका. So which was your favorite part of the movie? He's the action director of the movie. Wow. So he was supportive? Yes, sir. Were they good at the action, sir? Excellent. Wow. Clean chit will be able to go. Okay. So now, Rajiv, sir, your experience directing this beautiful movie. See, first, I have to say ki ye film 7 camera setup pe shoot hua. Iska har shot, har scene 7 camera laga ke shoot kiya tha. Kyunki maine Psycho perform, तो वो रिटेक में वापस सेम परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो उसके लिए 7 कैमरा सेटअप में पिक्चर पूरी पिक्चर 7 कैमरा सेटअप में शूट हुई है. और दे बोथ हैव डन अ माइंड ब्लोइंग वर्क एंड ऑफ कोर्स परवेज भाई, इट्स 7 to 8 मूवी परवेज भाई. और आई एम वेरी थैंकफुल टू राज आशु जिन्होंने इतने अच्छे म्यूजिक दिए, स्वाति श्रवणी एंड इलियन ऑल्सो. सो मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, स्पेशली पंकज जी और सुनील जी जो आए यहाँ पर ब्लेसिंग देने के लिए, न्यू बॉयज न्यू गर्ल्स को. और मैं चाहूँगा कि ये सब फिल्म आपको थिएटर में जाके देखें. थैंक यू वेरी मच. थिएटर में देखने की एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज इट होगा वो थिएटर में ही पता चलेगा क्या होगा. इट्स अ वेरी गुड सस्पेंस, इट्स अ वेरी गुड सस्पेंस, इट्स अ वेरी सरप्राइज फॉर द ऑडियंस. जो ट्रेलर देख रहे हैं बाद में थिएटर में जाके बोले कि अरे ये क्या हो गया, इट्स अ वेरी सरप्राइज. ओके. And yes, we've already asked you, but once again I want to ask you, how was it like, you know, performing or shooting a dance sequence in a suspense thriller? I think every good Bollywood movie needs a dancey number. And of course, when you're shooting a thriller or a suspense thriller, there's no space really for, you know, the hero and the hero to break out in a dance, suddenly. So usually we add like a really cool promo number. And I'm really grateful to be part of this project and to have been part of it with a song. And I feel like probably that was the only time in the whole movie shoot that Rahul was scared. Someone got him scared for the very first time in his presence. So can we have you on stage, please?
स्टेज पे देख रहा हूँ कि एवरीथिंग इज ग्लिटरिंग, ये देखो इधर आइए, ये चमक रही है, आप भी आइए, ये चमक रही है, ये देखिए, ये चमक रही है, ये देखिए, ये चमक रही है, अरे बाप रे, इधर देखिए, और ये देखिए, और वो देखिए, और फिर ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस फंक्शन से पहले हम सब ने एक मीटिंग की थी कि हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे चमकीला. एनीवे आई विश द प्रोड्यूसर ऑल द बेस्ट, द डेब्यू डायरेक्टर ऑल द बेस्ट, एंड हिमांशु जो हमारे मित्र हैं जिनकी वजह से आज मैं मंच पे खड़ा हूँ, ये बहुत कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है. सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि ये फिल्म कितनी भाषाओं में रिलीज हो रही है, ये कुछ रिकॉर्ड तोड़ रही है. लोग बनाते हैं, मेरी बिटिया ने फिल्म की वो 3 भाषा में थी साहू, और ये कुछ 18 भाषाओं में, लेकिन 7 भाषाओं में, 5 भी मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है. Simultaneously releasing in 5 languages means a lot. Sir, good evening. आपको तो सर हेयरस्टाइल चेंज हो गया, जवान लग रहे हैं सर. जब कोई नई फिल्म इनकी लगती है और 5 साल छोड़ दो. So I wish everyone all the best in the media. Sir, why नई फिल्म रिलीज हो रही है हमारे दोस्त की? अच्छा ये यहाँ से वहाँ जाएंगे, हाँ ये वहाँ. चलो anyway, I wish all the media all the best and please bless this film. And I pray to God that this new debut actors become superstars. Thank you very much. Thank you so much, sir. Can we have again a huge round of applause for Shakti Kapoor, sir? Thank you so much for coming here and giving your blessings. And we have the picture now, the group picture. Faces in the film, and I wish the debut actors all the best. And trailer dekhe to thoda aisa laga ki it's a very happening film, and very technically sound it looks. Then you have this girl who's doing a super song in the film, so it has to work, you know. So I wish everyone all the best. Title bhi bada acha hai, X-ray. And tell us about your song and how was your experience? I think. Good music is one of the main ingredients in Bollywood, and it's my absolute pleasure to have done the item song in X-Ray. Of course, it's great to support new artists who are entering the industry, but always dancing is of course one of our reasons to get into the industry. And in a thriller, especially where it's so much about performance for the actors, it's hard to throw in a promotional number where they suddenly break out in a dance. So usually like someone else gets the pleasure of having the item song, so I'm really lucky. So all the best to you guys. मैं इसको हिंदी में डब कर देता हूँ कि इनको बड़ी खुशी हुई है कि इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया है. Thank you, और ये म्यूजिकल है, इनकी म्यूजिक पसंद है, फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, और ये बोले कि मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, तो सबको मेरा एक चैलेंज है कि मेरे जैसी डांसर वर्ल्ड में नहीं है. तो बिग हैंड फॉर हर. थैंक यू थैंक यू. जितने भी नए डांसर्स हैं उसे हमेशा आप सपोर्ट करने आते हैं, क्या खास चीजें देखते हैं अगर उस बारे में कुछ बताया? सर सबकी जर्नी होती है, मेरी भी जर्नी है. मुझे भी याद है कि मैं भी पहली फिल्म कर रहा था, और एक बड़ा अच्छा फील होता है जब आप अच्छे न्यू कमर्स को देखते हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो सपने लेके आए हैं अपने भविष्य के लिए. हार्ड वर्किंग हीरोइन है, हीरो है, कल को कौन कितना बड़ा स्टार बनता है कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये जर्नी होती है, मेरी भी जर्नी है, आज इनकी है, इनकी है, इनकी है, सबकी है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, और मैं हमेशा ब्लेसिंग करूँगा मेरी तरफ से कि ये कल के बहुत बड़े स्टार बने.
मेरे भी बच्चे न्यू कमर्स हैं, अब थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा आशीर्वाद तो सब बच्चों को है, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये है मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट टू देम। आप बताइए, अब्बास मस्तान जी भी आए थे, शफी कपूर जी भी है यहाँ पर, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इतने अच्छे लोगों से जो है ब्लेसिंग मिल रही है आपको? मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप। इधर आ, इधर आ। सो मैं इधर आ, सो मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि अब्बास सर आए, अब्बास मस्तान सर आए, शक्ति कपूर जी सर आए, तो इससे ज़्यादा लकी वेली सॉरी इससे ज़्यादा लकी मैं अपने आप को मानता हूँ, बिकॉज क्योंकि सर आए हैं और सर अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं बेसिकली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहेगी एंड ज़रूर मैं स्टार बनूँगा। आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। लता जी, आशा जी, उषा जी, ये सब मेरी फैमिली के रिश्तेदार हैं, मेरी वाइफ के फर्स्ट कजन्स हैं, मेरी जो धर्म पत्नी है शिवांगी, मेरी साली पद्मनी, ये काफ़ी ये लोग थोड़े से व्याकुल हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत सस्टेनिंग है, इम्प्रूविंग है, और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि लता जी जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, वो अभी 90 साल की हैं, भगवान करे वो 120 साल तक हमारे पास रहें, सोने का नगीना है। अच्छी खबर ये है कि उनकी तबीयत स्थिर है और वो बहुत जल्द अपने घर जाने वाली है। लेट्स ऑल प्रे कि लता जी हमारी जो हिंदुस्तान की शान है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और वो जल्दी से अपने घर जाएँ, और हम सब लोग उनके घर जाके, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं वो, उनकी मच्छी करी बहुत कमाल की है। थैंक यू। अब मैं निकलूँगा, एक और फिल्म का प्रीमियर है, वहाँ जाना है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, लवली, लव यू ऑल। यार बिग बॉस 10:30 बजे शुरू होता है और मैं 10:15 सो जाता हूँ, आजकल क्या है सुधरे हुए हैं तो वो 10:30 शुरू होता है, मैंने सुना कई बार 2 बजे तक चलता है, इतने झगड़े हो रहे हैं और झगड़ों की आवाज़ फिल्म सिटी से मेरे घर तक आ रही है। बट आई विश ऑल द बेस्ट, आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। मैं तो एक ज़माने में मैं भी गया था और मेरे साथ तो क्या हुआ था सबको मालूम है, मैं अकेला लड़का था और 13 लड़कियाँ थी, इधर भी देखो 1-2। अभी यार अभी छोड़ो यार, अरे बोले मेरे को तो गिनो मत, मैंने इनको, अच्छा नहीं नहीं इनको तो, ये लड़की थोड़ा, ये तो मेरा भाई है यार, अभी देखो सब वो हो गई ना, अब मैं हटूंगा, ये शक्ति कपूर पार्ट 2 देखो। अरे सर बहुत बड़ी बात बोलती है। फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लॉन्चिंग फिल्म इतनी अच्छी फिल्म से होगी, इतनी अच्छी स्टोरी से होगी, एंड अपने आप में फिल्म एक बहुत बड़ी चैलेंज है किसी भी एक्टर करने के लिए, कोई इच्छित है करने को, जिसको मन है करने का, उसके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे फिल्म करने के लिए, एंड मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि भगवान ने मुझे दया दिखाई कि मैंने ये फिल्म करी। It was amazing experience as the co-actor was very good and very supporting and जो मेन बात है कि वो स्टोरी होती है जो फर्स्ट हम देखते हैं वो एक स्टोरी होती है, और इस मूवी की स्टोरी में बहुत सस्पेंस है, when you watch in the theaters you will get to know कि कितना सस्पेंस है एंड तक, we can't that keep the that I मतलब इतना ज़्यादा सस्पेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, एंड आई थिंक दैट 5 languages में आज तक कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है एंड ये सेम डे 5 languages में रिलीज़ हो रही है, तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। क्या कह रहे हैं आप, सॉरी डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, तो मुझे क्या सुनाने, सॉरी मैं समझा नहीं आपका सवाल। नहीं बेसिकली जब मुझे फिल्म के बारे में ब्रीफिंग हुई थी तो मुझे ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया था कि आपको लाइक शाहरुख खान जी का डर की तरह आपको करना है, इट्स लाइक मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, बेसिकली उसकी साइकनेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, तो उसके ऊपर मुझे थिंक करने को बोला गया, एंड मैंने बहुत सोचा फिल्म से पहले, मुझे अच्छे से याद है कि मैं बैठे अकेले घर में रात में अंधेरा करके मैं बैठता था, मैं सोचता था कि कैरेक्टर कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, क्या करेगा, वो इस जगह पे होता तो वो क्या करता, अगर अभी वो घर में अकेला है तो क्या करेगा, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता था घर में प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि शाहरुख खान जी ने तो बहुत
तगड़ी एक्टिंग की थी, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ आज तक। मम्मी ने नहीं डाटा नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे दरवाज़ा क्या बंद करके रख रहा है, दरवाज़ा क्या बंद करके रख रहा है। बोला अरे मुझे फोकस करनी, तो फोकस मुझे मेरे कैरेक्टर में आना था पहले। आई थिंक इट्स अमेजिंग व्हेन टू एक्टर्स डू सच अ डिफिकल्ट मूवी फॉर देयर लॉन्च मूवी, सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड सीइंग देयर परफॉर्मेंसेस, रियली वेल डन। थैंक यू। नो, टुनाइट इज अबाउट एक्स-रे, सो नेक्स्ट टाइम। Yeah, I watch it. It's very entertaining. So. Well, usually I have some friends who are in the house, like Rochelle and Keith were in the house, or Eli Abram was in the house. So then it's very exciting to watch and very entertaining. But yeah, it's fun. Also, captain of the ship is there. सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूछिए। पहले तो आप सबको पता है फिल्म एक्सरे है, 29th को रिलीज़ है पिक्चर, और राहुल शर्मा और याशी कपूर इनका दोनों का डिब्यू है। पिक्चर एक थ्रिलर है और कुछ हटके है, साइको थ्रिलर है। पिक्चर में पहली बार आप देखेंगे कि 7 कैमरा के सेटअप पे फिल्म शूट हुई है। 7 कैमरा का सेटअप का मतलब मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक साइको कैरेक्टर जब परफॉर्म करता है तो दूसरा टेक वो ऐसा नहीं दे पाता अगर वो, तो इसके लिए राहुल के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, और याशी के लिए जब ये लोग परफॉर्म करते थे दोबारा वो कटिंग मिलती नहीं थी। तब ये पूरा का पूरी की पूरी पिक्चर ये जो है 7 सेटअप कैमरा पे शूट हुई है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इन दोनों का, इन्होंने बहुत मेहनत की है, स्टंट दोनों ने खुद ने किया हुआ है, और आपको लगेगा नहीं कि इन दोनों ने पहली बार एक्टिंग की है। सेकंड मैं थैंक्स कहूँगा राज, आशु, स्वाति और शब्बीर भाई का, जो कि इतना हिट गाने हमें दिए हुए, प्लस इंक्लूडिंग दे ऑल द। तो कहूँगा आप सबको कि एक बार फिल्म जाके देखिए, मजा आएगा फिल्म से। सर प्रोड्यूसर का बजट उल्टी का और कम हो जाता है, सेकंड टेक होता ही नहीं ना, एक टेक में दी एंड हो जाता हूँ मैं, भले ही वो 5 बार हो लेकिन एक टेक में दी एंड हो जाता है। कैमरा घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक्चुअली राहुल के साथ मैंने प्लान किया था एक शॉर्ट फिल्म करने के लिए, तो राहुल से कुछ परफॉर्म करवाया था, तब राहुल का देखा मैंने कि भाई वो शॉर्ट फिल्म में इतनी मेहनत कर रहा है तो फ्यूचर फिल्म चालू करनी चाहिए। तब मैं खुद गया था इनके डैड के पास, मैं बोला मैं राहुल के साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ, तो उन्होंने स्टोरी सुनी, इन्होंने सुनी, सबको बहुत पसंद आई, वैसे ये पिक्चर फ्लोर पर गई। फिर याशी है, बहुत सी एक्ट्रेस का हमने ऑडिशंस लिया, स्क्रीन टेस्ट, उसके बाद याशी फाइनल हुई है। और कुछ एक्सरे, हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सरे क्यों, एक्सरे द इनर इमेज है एक्चुअली टाइटल। आदमी की अंदर की इमेज किसी को नहीं पता, और वो एक्सरे है, तो इसकी अंदर की इमेज या इनकी अंदर की इमेज, वो तो पिक्चर में आपको पता चलेगा किसकी इमेज ख़राब है, तो किसकी अंदर की इमेज अच्छी है ख़राब है पिक्चर में आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर राज आशु जी हैं, और लिरिसिस्ट शब्बीर सर हैं। और आपको ये बता दूं कि बहुत अच्छा म्यूज़िक है, और जो हमारा कल गाना लॉन्च होने वाला है जिगिलिया, ये बहुत ही पेपी नंबर है और बहुत जल्दी कैच होने वाला सॉन्ग है, ऐसा हम सबको फील होता है, और हमने बहुत दिल से बनाया है, तो हमें है कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो हमारा फिंगर क्रॉस है। जिस हिसाब से गाने चल रहे हैं तो उसमें कुछ अपना नया करना, कुछ हिट देना, अच्छा देना, तो राज सर ने जब कंपोज किया, राज आशु जी ने कंपोज किया, और फिर हमको ये भी था कि यार स्वाति शर्मा का जो गाने हिट हुए हैं इतने हिट, उसके बाद स्वाति शर्मा के साथ ही गाना, तो उनको जहन में रख के लिरिक्स होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, पैपी होनी चाहिए, और रैप में हम लोग इक्का को लेके आए, तो बहुत मेहनत तो हुई, बहुत टफ हुआ, लेकिन मिला जुला के बहुत ज़बरदस्त गाना बना, और स्वाति शर्मा ने बहुत अच्छा गाया, काफ़ी हम गाने गाए हैं, सारे हिट गाने उनके आ चुके हैं, और राज आशु का और मेरा स्वाति का हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा हिट रहा है, बारबी गर्ल के बाद हमारा ये गाना आ रहा है, तो हमको हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत मेहनत किए, बाकी आपको लाने। देखिए गाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि जब कल आप गाना सुनोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि
शब्बीर भाई ने एक डिफरेंट गाना लिखा है, मतलब इसके वर्ड्स बहुत ही अलग टाइप के हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो एक नॉर्मल गाना नहीं है, आप सुनोगे तो एक फन वाला गाना है, मस्ती देखने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। उतना ही अच्छा स्वाति ने गाया है जितना अच्छा भाई ने लिखा है, तो और बहुत अच्छा गाना बना है ये। और जी 100% रात की दो लाइन, क्योंकि पूरा गाना सुनने के लिए आपको कल तलक का भेजा। जी रात की बेला में मैं चांद निकल गई, होश मुझे आया तो हजान निकल गई, सु 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 सुरूर चढ़ा रे, जिगलिया 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 रे, जिगलिया जिगलिया जिगी जिगी रे, जिगलिया 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 रे, जिगलिया जिगलिया जिगी जिगी रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी 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 जी, सबसे पहले तो राजीव रिया जो हैं वो मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, मेरे भाई समान हैं। मैं बहुत दो तीन फिल्में उनके साथ कर चुका हूँ, बहुत बार हमने साथ में काम किया। इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और टेक्नीशियन कमाल के हैं। ये फिल्म का मैंने प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रिपिंग है, बहुत पावरफुल है। मेरी शुभकामनाएँ, मैं हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ कि जो टीम ने इतनी मेहनत की है वो मेहनत रंग लाए और फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे, फिल्म हिट हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। पहले मेरे बड़े भाई अवधेश मिश्रा जी हैं, अपने आप में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। तो मैं इनके लड़के राहुल जी को दिल से यही दुआ देना चाहूँगा कि जैसे उनके पिताजी इतने बामुश्किल मेहनत करके बहुत कमाल की फिल्म बनाया है, उनकी किस्मत ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, चूँकि वो कैपेबल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, एक बहुत ही सुलझे हुए अभिनेता हैं वो। इस कम उम्र में इतनी परिपक्वता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, इनमें वो सारी परिपक्वता है जो एक कलाकार को एक बहुत बड़ा स्टार बना दे। और इसी के नाते मैं यही कहूँगा कि वो निश्चित तौर पे जो सपना संजो करके हमारे प्रदीप जी ने उनके लिए फिल्म बनाई है और जो सपना लेकर के उन्होंने काम किया है, वो सपना उनका निश्चित साकार होगा। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा ट्रेलर। मैं चूँकि व्यक्तिगत इनको जानता हूँ, प्रदीप शर्मा जी हैं, इनके साथ इन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्में भी बनाई हैं जिसमें मैं एक अभिनेता के रूप में काम किया हूँ, इस नाते इनके लड़के को जानता हूँ, उस लड़के की परिपक्वता को जानता हूँ। तो मुझे बहुत विश्वास है और यकीन है कि वो निश्चित तौर पे इनके सारे सपनों को साकार करेंगे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया सितारा अपने आप के रूप में प्रेजेंट करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़े दिल से प्यार से फिल्म बनाई है, सबने बड़ी मेहनत की है, राहुल ने भी की है, यासिका ने भी की है, डायरेक्टर राजीव रिया जी ने भी की है, तो सबकी मेहनत का फल पब्लिक ही देती है। तो मैं चाहूँगा पब्लिक से कि एक बार जाके जरूर देखें और न्यू कमर को अपना प्यार और आशीर्वाद दें, यही मैं चाहता हूँ। देखिए, खेसारी लाल यादव जी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंटरटेनर हैं, इंटरटेनमेंट उनका पेशा भी है, चाहे मंच से लेकर के सिनेमा हॉल में सिनेमा के पर्दों पर वो बहुत इंटरटेन करते हैं, आम जीवन में भी बहुत इंटरटेनर है। तो शायद ये लोग समझ रहे हैं कि शेर अभी शांत है, वो शांत नहीं है, वो समझ रहा है। वो पहले बिग बॉस के बहुत सारे शोज देखते नहीं होंगे, उनको कुछ इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो बिग बॉस में कैसे खेला जाता है। बिग बॉस एक खेल है और खेल खेलने के पहले समझना पड़ता है और वो समझ रहे हैं। समझने के बाद जैसे ही वो अपना डग बढ़ाएंगे, रूप दिखाएंगे, तो सारे लोग डगमगा जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है और वो निश्चित तौर पर यही होने वाला है। आप देखिएगा, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन एक सतर्कता है कि खेसारी जी भी सतर्क हो जाए और अब वो खेलना शुरू भी कर दिए और वो जब खेलने लगेंगे तो बाकी लोग सकबका तो जरूर जाएंगे। आप देखिएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं उनको एक दोस्त होने के नाते, एक शुभचिंतक होने के नाते खेसारी जी को के लिए यही दुआ करूँगा कि वो जो हैं उनका जो असली जो व्यक्तित्व है वो सामने आए, चूँकि जब वो सामने आएगा तो बहुत बड़े इंटरटेनर के रूप में बिग बॉस का टीआरपी से लेकर के वो एक भोजपुरी की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ावा देंगे।
और ये सत्य है कि बिना भोजपुरी का तड़का लगे कभी बिग बॉस संपूर्ण नहीं हुआ है, बड़ा बेस्वाद सा लगता है। तो भोजपुरी का तड़का लगाने इस बार खेसारी लाल यादव जी, जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े क्या बोलते हैं इंटरटेनर हैं, वो गए हैं, तो देखिए यकीन है और मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। वो तो शांत बैठे हुए हैं कुछ दिन से, नर्वस नहीं, समझ रहे हैं। देखिए पहले समझना तो पड़ेगा, और वो इतने परिपक्व नकली नहीं है खेसारी लाल यादव जैसे वहाँ लोग जो पहले से प्लान करके गए हैं, न जाने कितने एपिसोड्स देखे होंगे, कितने सीजन्स देखे होंगे, सब सोच समझ के गए कि मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है। खेसारी जी बिना सोचे समझे पहुँच गए, और जब पहुँचे तो वहाँ समझ रहे हैं, वहाँ सोच रहे हैं, और वो देखिए अब वो खेलना शुरू किया। मैंने कल का एक एपिसोड देखा था, बहुत अच्छा खेल रहे थे, और वो खेल रहे हैं और खेलते खेलते सबको खिलाने भी लग जाएंगे। उनमें वो प्रतिभा है और प्रतिभा निश्चित तौर पर सामने आएगी। थैंक यू, थैंक यू। ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, थोड़ा साइकोपैक था, और ऐसी फिल्में देखने के लिए कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जगता है कि ओवरऑल ये एक्सरे है क्या, ओवरऑल ये इनर इमेज एक्सरे की है क्या। तो ट्रेलर में जो बात होनी चाहिए ऑडियंस को खींचने के लिए, उस ट्रेलर में तो बात मुझको दिखी। अब देखेंगे जल्द से जल्द इस एक्सरे को सिनेमा घर। फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और म्यूज़िक के साथ साथ फिल्म में जो काम किया है राहुल शर्मा ने, बहुत बेहतरीन काम किया है। इसकी हीरोइन जो है याशिका कपूर याशी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं प्रदीप शर्मा जी, इनके साथ हमारा पहले भी एसोसिएशन रहा है, हमने इनके साथ दो फिल्में की है एज ए डायरेक्टर। तो बीइंग ए डायरेक्टर मैं बोल सकता हूँ कि वो किसी तरीके से अपनी फिल्मों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, फिल्म बहुत वेल मेड है, और अपने जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो भी उनकी फिल्म होती है, उसको वेल पब्लिसाइज भी करते हैं, पब्लिसिटी भी बेहतर करते हैं, प्रोडक्ट भी बेहतर बनाते हैं, और हमेशा उनका ये कोशिश उनकी रहती है कि उनका जो ऑडियंस है, जो उनकी फिल्म को देखने के लिए आ रहा है, वो हर तरीके से इंटरटेन हो। तो फुल पैक मसाला होगा एक्सरे, जिसको देखने के बाद सिनेमा हॉल में जो भी लोग जाएंगे देखने के लिए, देखने के बाद अपने आप को इंटरटेन फील करेंगे, चीटेड फील नहीं करेंगे। देखिए मैं श्रावणी हूँ, वैसे मैंने इस फिल्म में काम किया है जो साइकिक किलर जो दिखाए यहाँ पे, उसकी मदर प्ले कर रही हूँ, राहुल की मदर हूँ मैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर मेरा, और बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और राजेश जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन हम जहाँ पर शूट कर रहे थे वो शूटिंग का जगह एकदम खतरनाक भयानक था, कि शूट करते हुए भी हमें डर लग रहा था। तो और जो फिल्म बनी है ऑल टुगेदर, इट इज़ फैंटास्टिक, मुझे ऐसा लगता है आप सभी को अच्छा लगेगा, और मैं प्रे करती हूँ कि फिल्म बहुत बहुत सुपर हिट हो। और आप लोग प्लीज़, मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाए थिएटर में और ये फिल्म देखें।